मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नीम का पौधा लगाया और लोगों से मास्क लगाने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा, अब अधिक से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगवाना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीम का पौधा लगाया। उन्होंने टेस्टिंग लैब की समीक्षा की और जिन जिलों में ज्यादा केस है उन जिलों में युद्ध स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाने की बात कही। उन्होंने बताया, तीन बिंदुओं पर अभी ध्यान केंद्रित है। पहला, आने वाले समय में क्या आंकड़े हो सकते हैं, अस्पताल में बिस्तर की कमी नहीं होनी चाहिए, यह चैलेंज है हमारे सामने। संक्रमितों के निकटतम लोगों की पहचान, उन्हें क्वारंटीन करने की व्यवस्था और अब मास्क की सख्ती जरूरी है। महाराष्ट्र से यात्री बस परिवहन पर लगी रोक की अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ाई जाएगी। आज नीम का पौधा रोपा है, वृक्षारोपण का अभियान जारी है। जहाँ ज्यादा मामले हैं वहाँ टेस्टिंग बढ़े। 1 अप्रैल से 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी भाई बहन वो पात्र हो जाएंगे वैक्सीनेशन के लिए, टीकाकरण के लिए। जिन जिलों में, जिन नगरों में ज्यादा संक्रमण है वहां टीकाकरण के अभियान को हम युद्ध स्तर पर चलाएंगे और तेजी से टीकाकरण करेंगे। महाराष्ट्र से लगे जिलों में जो हमने बसें बंद की थी वो प्रतिबंध की अवधि समाप्त हो रही, 30 अप्रैल तक हम उसको बढ़ा रहे हैं। स्कूल खोले नहीं जाएंगे, अभी स्थिति की हम समीक्षा करेंगे। जिन क्षेत्रों में ज्यादा संक्रमण है वहां की नीति क्या बनानी चाहिए उसके बारे में भी चर्चा होगी। होम आइसोलेशन में जो लोग हैं उनको डिस्ट्रिक्ट कोविड का कमांड और कंट्रोल जो सेंटर है उसे ठीक गाइडेंस मिल पाए, इस व्यवस्था को भी मैं फिर से मजबूत और प्रभावी बनाऊंगा। उपचार की पूरी संपूर्ण सुविधाएं एक एक जिले से आज इस पर बात करूं। मैन पावर की जरूरत, मृत्यु दर पे नियंत्रण, तो सारी टेस्टिंग लैब्स की भी मैं समीक्षा करूंगा। मैं प्रदेशवासियों से फिर बार बार अपील कर रहा हूं, होली हमने ठीक से मनाई, बाकी त्योहार भी हमने बिना भीड़ के परंपरा पूरी करते हुए घरों में ही मना लिए। अब रंग पंचमी जैसे त्योहारों पर भी कोई जुलूस, कोई गैर, कोई चल समारोह नहीं होगा, क्योंकि वो घातक हो जाएगा। सभी धर्मगुरुओं से, सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, समाज सेवी संगठनों से मेरी विनम्र अपील है, इस महामारी को नियंत्रित करने के लिए सबका सक्रिय सहयोग चाहिए। मिल भी रहा है, मैं फिर अपील करता हूँ, मास्क जरूर लगाएं, सब वैक्सीनेशन करवा रहे हैं और ये प्रतिरोधक क्षमता पैदा करेगा, कोरोना तो रहेगा। कोरोना को हम परास्त तब कर पाएंगे जब शरीर में प्रतिरोधक क्षमता होगी, तो हम कोरोना को मार देंगे, शरीर ही मार देगा। इसलिए वैक्सीनेशन जरूरी है। वैक्सीनेशन के अभियान में सभी का सक्रिय सहयोग मिले और स्वयं भी वैक्सीनेशन करवाएं। मुख्यमंत्री ने बताया कि दांडी यात्रा में कल सम्मिलित होने के लिए आज भरूच पहुंचूंगा, जहां नर्मदा मैया समुद्र में मिली हैं। जलाभिषेक अभियान को लेकर उन्होंने कहा, मनरेगा की राशि से जल संरचना बनाई जाएगी ताकि पानी रोक सके। हाँ, कल
दांडी यात्रा में मैं सम्मिलित होऊंगा। आज रात में नर्मदा मैया जहाँ समुद्र में मिली है, क्योंकि दांडी यात्रा और वो स्थान पास पास है, वहाँ पहुँच के नर्मदा मैया की भी पूजा अर्चना करूँगा। उस स्थान पर मैं कभी गया नहीं हूँ और दांडी यात्रा में मैं भाग लूँगा। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं और इन 75 सालों में देश काफ़ी आगे बढ़ा और विशेषकर मोदी जी के नेतृत्व में विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। लेकिन एक नया संकल्प कि देश को हम और तेज़ी से कैसे आगे बढ़ाएं, और दांडी यात्रा एक ऐसा आंदोलन था जिसमें महात्मा गांधी ने एक मुट्ठी नमक उठा के पूरे देश को आज़ादी के लिए जागृत किया था, और मेरी बड़ी इच्छा थी उस यात्रा में मैं भी भाग लूं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।